हेलो डियर वंस, आज इस वीडियो में हम लोग एक नए तरीके से तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट एक खबर ऐसी आई है कि इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 का ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा और ये पेपर भी लगभग शायद 90 मिनट से डेढ़ घंटे का होगा। तो मैंने आज ही आपकी तैयारी के लिए लेसन नंबर 1 अ गर्ल विद द बास्केट प्रोज का, जिसके राइटर हैं विलियम सी डगलस, इस पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। तुरंत इसकी स्टडी अपनी करें और इसको लाइक करें, अच्छा लगे तुरंत शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के लिए, जिससे ये जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचे और हम लगातार सारे लेसन्स को एक बार फिर डिटेल्ड स्टडी करते हुए उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने इस चैनल के थ्रू आप तक लगातार पहुंचेंगे और आप उन्हें ऐसे ही वॉच करते रहेंगे, उसके लिए थैंक यू। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज द राइटर ऑफ द लेसन, इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है। अ गर्ल शॉर्ट में लिख दिया विद द बास्केट, तो राइटर हैं विलियम सी डगलस, इन्हें शॉर्ट में डब्ल्यू सी डगलस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वेयर वॉज द राइटर ऑफ द लेसन अ गर्ल, शॉर्ट में है गोइंग, जा कहाँ रहे थे राइटर, इस जर्नी कहाँ की है, तो ये जर्नी है रानीखेत की, रानीखेत जा रहे थे। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ से आ रहे थे, तो ये न्यू दिल्ली से आ रहे थे, एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अगला है, हाउ वॉज द राइटर ऑफ द लेसन अ गर्ल गोइंग, किस चीज़ से यात्रा कर रहे थे, तो ये उनकी यात्रा है बाई ट्रेन, ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ठीक है। आप चाहें तो और क्लियर करें तो पैसेंजर ट्रेन, इस लेसन में बताया गया है राइटर ने न्यू दिल्ली से लेके बरेली तक की यात्रा, ये और चीज़ चाहें तो एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, बरेली तक की यात्रा की है ट्रेन से और बरेली से रानीखेत तक की यात्रा करेंगे वो बाई कार। वॉट वॉज रानीखेत फेमस फॉर, रानीखेत क्यों मशहूर हुआ, कैसे बना, तो इस लेसन में मेंशन किया है एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, अंग्रेजों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक कैंप बनाया, एक हिल एक आर्मी स्टेशन बनाया, या कह सकते हैं एक बेस कैंप तैयार करा सेना के लिए, ब्रिटिश आर्मी के लिए, इसलिए रानीखेत शहर मशहूर हुआ, रानीखेत शहर बना शायद। बाई विच रिवर डिड द ट्रेन पास, जिस रास्ते से यात्रा कर रहे थे, कौन सा है यह, नॉर्दर्न एरिया, उत्तर का विशाल मैदान, और रास्ते में नदी कौन सी मिल रही थी, गंगा नदी, ठीक है, तो द गंगा। व्हाट वाज द ऑथर्स रूट, ये रूट कौन सा है, बहुत मशहूर एक बार उसमें मेंशन की गई है, एंड द रूट वाज इंडियाज मोस्ट एग्रीकल्चर एरिया, भारत का सबसे मशहूर उत्तर का विशाल मैदान, तराई क्षेत्र बेल्ट जो मशहूर है अपनी कृषि के लिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काय के लिए, शुगर केन, गन्ना के लिए, देन राइस और चावल के लिए, तो इसे भारत का सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रन गैदर्ड द राइटर, बच्चों को किस तरह के बच्चों ने घेर लिया, किस तरह के बच्चों ने राइटर को घेर लिया, एंड दैट वाज अ बंच ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, जब ये रिफ्यूजी चिल्ड्रन आए अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, तो कितने लोग थे जो पाकिस्तान छोड़कर आए, इस लेसन में इसका जिक्र किया गया है, 9 मिलियन पीपल या 90 लाख लोग, ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख, तो 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा। एक क्वेश्चन और बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ देयर अराइवल, उनके वहां से आने की वजह क्या थी, बहुत बड़ी वजह थी पार्टीशन ऑफ 1947 का वो बंटवारा, जब देश के दो टुकड़े हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, 90 लाख लोगों को पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा, ऐसे हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान गए। विच गर्ल इम्प्रेस द राइटर द ऑथर, किस बच्ची ने राइटर को इम्प्रेस किया, बच्चे तो बहुत उसे घेरे हुए थे, तो अ गर्ल ऑफ 9 साल की एक बहुत ही मासूम बच्ची, इनोसेंट गर्ल ने राइटर को इम्प्रेस किया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इम्प्रेस्ड हिम मोस्ट, ये कह सकते हैं इस पूरी कहानी का एक एसेंस है, एक चावल का वो दाना जो बताएगा कि चावल कच्चे हैं या पके हुए हैं, कि किस बात ने उस बच्ची की राइटर को इम्प्रेस किया, और हर सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी आत्मसम्मान की भावना, उसका जो स्वाभिमान है, वो इतने गरीब होने के बावजूद, इतनी मुफलिस होने के बावजूद, मजदूरी करने के बावजूद भी उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना है, इस भावना ने राइटर को सबसे इम्प्रेस किया। सो डियर फ्रेंड्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यू ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर
बोर्ड एग्जामिनेशन जो बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाले हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल के थ्रू मिलेगी। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लॉट्स ऑफ लव, बाय।